बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है फयाल हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाल बुराक फूड्स। नाज़रीन, मैं बना रहा हूँ गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा खीर जैसा, जैसे खीर होती है इसी तरीके से एक हलवा बनता है, वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमने किस तरीके से बनाना है। 100 ग्राम मैंने लिया है चावल, ये मेरे पास टुकड़ा चावल है, आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। साफ सुथरा चावल मैंने लिया है, टुकड़ा चावल, इसको मैंने कम से कम 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 2 kg मैंने दूध लिया, इसको भी मैंने फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया था। दूध हमारा देखें बिल्कुल गर्म है, अभी बॉयल नहीं हुआ। ये चावल मैं इसके अंदर डाल दूंगा सारे, दूध के अंदर। फ्लेम को हमने बिल्कुल कम रखा हुआ है, बिल्कुल हल्के फ्लेम के ऊपर। कच्चा दूध मैंने लिया, बिल्कुल खालिस दूध है, फुल फैट वाला, के फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, चावल मैंने दूध के अंदर डाले हुए हैं, ऊपर से मैं थोड़ा सा दूध, अपना गर्म दूध निकालूंगा। हमने करना क्या है आइए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास है केसर ज़ाफ़रान जिसे कहते हैं, ये मैं गर्म दूध के अंदर ऐड कर दूंगा, इसको मैं एक साइड पर रख दूंगा। देखें, 1 kg मैंने गाजर ली है, बिल्कुल साफ सुथरी गाजर है मेरे पास, बिल्कुल लाल कलर में मैंने ये लिया है गाजर। देखें, इसको मैं अब इस तरीके से छील लूँगा। जब तक हमारा चावल हमारे दूध के अंदर पकते हैं ना, हम अपनी गाजर छील के इनको गाजर कश कर लें। इस तरीके से हमने गाजरों को छील के फिर अच्छे तरीके से धो लेना है। देखें, ये साइडें जो है ना इसकी रह जाती है, इस तरीके से हमने इनको माशाल्लाह ऐसे ही मैं सारी गाजर अपनी छील लूँगा। देखें, एक साइज ये है, इससे बहुत बड़ा गाजर हमारी गाजर कश होगी। हमने करना क्या है, इस गाजर को गाजर कश करना है, ठीक है। इस तरीके से देखें, ये बहुत जल्दी हो जाएगी, इससे कोई देर नहीं लगेगी। ये देखें, इस तरीके से हमने सारी गाजरें अपने गाजर कश कर ले। देखें माशाल्लाह, हमने गाजर को गाजर कश कर लिया है इस तरीके से। देखिए, ये बारीक करके हमने बिल्कुल इनको गाजर कश कर लिया। अब देखें माशाल्लाह, इसको मैंने कम से कम चावल डालने के बाद ना 15 मिनट तक पकाया है, ठीक है, 15 मिनट तक पकाया है टुकड़ा चावल डालने के बाद। अब हम इसमें अपनी ये गाजर ऐड कर देंगे। देखें, इस तरीके से हम अपनी सारी जो गाजर हमने अपनी गाजर कश की है ना, ये सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह, लेम हम अपना यहाँ पे थोड़ा तेज़ करेंगे। ये सर्दियों की सौगात है गाजर का हलवा, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये बनना शुरू हो जाता है इस तरीके से। ये मैं आपको पहली रेसिपी अपनी दे रहा हूँ गाजर के हलवे की, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी चीनी, 1.5 पाव मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगा। आप चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा डालें, बराबर रखनी है तो बराबर चीनी ऐड करें। मैं चीनी डालने के बाद इसको चेक करके देखूंगा, अगर चीनी मुझे कम लग रही है तो थोड़ी सी मैं और ऐड करूँगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 अदद लाचियाँ थी, मैंने उनको कूट के उसका पाउडर बना लिया। और ये मेरे पास वो जो ज़ाफ़रान मिला दूध था, केसर जिसे कहते हैं, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगा। बस काजू हैं, आधे काजू मैं इसमें डाल दूंगा। पिस्ता है, ये भी आधे मैं डाल दूंगा। ये मैंने 80-80 ग्राम लिए हैं, मेरी सारी क्वांटिटी जो है ना 80-80 ग्राम की है। बादाम भी आधे इसमें ऐड करूंगा मैं। और ये मेरे पास किशमिश है, दराक जिसे कहते हैं आधी, ये भी ऐड कर दूंगा। ये पानी में मैंने भिगो के सब चीज़ें पानी के साफ सुथरी करके मैंने रखी थी। फ्लेम को हमने तेज़ करना है। अब मज़ीद इसको गाजर डालने के बाद कम से कम 15 मिनट तक हमने पकाना होता है गाजर डालने के बाद, क्योंकि गाजर गल जाती है और गाजर का जो पानी है वो भी निकल के बाहर पक जाता है। तो माशाल्लाह, इस तरीके से हमने इसको पकाना है। देखें माशाल्लाह, ये कंडीशन हो चुकी है हमारे गाजर के हलवे की, यकीन जाने खोए की तरह लग रहा है, इतना टेस्टफुल बना हुआ है। सर्दियों में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इसको बनाते ज़रूर हैं। 1 किलो मेरे पास गाजर थी, 100 ग्राम मेरे पास चावल थे, 2 किलो दूध था,
जिसमें 370 ग्राम के करीब मैंने चीनी डाली है, 350 मसलन 350 ग्राम मैंने चीनी ऐड की है, उससे बिल्कुल मीठा हो चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए ये मेरे पास है मलाई, दूध के ऊपर जो होती है ना मलाई, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मलाई है, इसमें मैंने दूध डाल के जूसर मशीन के अंदर इसको फेंट लिया, क्योंकि मलाई के मैंने कहा दाने नहीं हो जाए, जूसर मशीन के अंदर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा दूध डाल के, दूध के ऊपर जो मलाई होती है, इस टाइम पे मैं ये सारी मलाई इसमें ऐड कर दूंगा, हम इसको पकाएंगे। देखें फ्लेम को मैं यहाँ कर दूंगा तेज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें माशाल्लाह, दूध में जब मैंने चावल डाले 15 मिनट पकाया, गाजर डाली फिर मैंने 15 मिनट पकाया, मलाई डाली 8 मिनट तक पकाया, अब मजीद इसको थोड़ा सा और पकना है। देखिए मैं आपको इस तरीके से इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ चम्मच के साथ, देखिए ये थोड़ा सा इसको पकना है, और मसलन मलाई के बाद कम से कम ये 11 मिनट तक पकेगा, 8 मिनट मैंने पकाया हुआ है, 3 मिनट मुझे लगता है मैं और इसको और पकाऊंगा इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसको गाजर की खीर भी कह सकते हैं, देखें हलवा भी कह सकते हैं, खीर भी कह सकते हैं, बस मैं इस तरीके से इसको उतारूंगा ताकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये मजीद गाढ़ा हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा देखें माशाल्लाह किस तरीके से, देखें आप इसका गाढ़ापन, देखें इसका लुक देखें माशाल्लाह। अब इसको मैं डालूंगा बाउल के अंदर, देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा हमारा हलवा तैयार हो चुका है, गाजर की खीर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें माशाल्लाह ये देखें ये कंडीशन है, किस तरीके से गाढ़ापन और वीआईपी खूबसूरत सा हमारा गाजर का खीर तैयार हो चुकी है, गाजर की खीर देखें माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये काजू थोड़े थोड़े, ये लगाएंगे पिस्ता, लगाएंगे थोड़ा थोड़ा बादाम डालेंगे और किशमिश लगाएंगे थोड़ी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी नाज़रीन माशाल्लाह हमारी देखें गाजर की खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखें इस तरीके से कितना इसमें गाढ़ापन है, ये देखें माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी इस गाजर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलता रहे, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें नाज़रीन, ये हमारे लिए जो आप सब्सक्राइब करते हैं ना ये हमारी हौसला अफजाई बनती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।